पहले ही तुमको थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देती हूँ, अगर तुमको लगता है इंडिया टीम का आज परफॉर्मेंस अच्छा था, यू नॉट गोइंग टू लाइक द रेस्ट ऑफ द वीडियो. बट बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, लेट मी जस्ट टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल ऐप. वन फुटबॉल इज माय गो टू ऐप व्हेनेवर आई नीड टू नो एनीथिंग रिलेटेड टू वर्ल्ड फुटबॉल. सो दे वर कवरिंग इंडिया वर्सेस बेलारूस मैच एज वेल, सो यू कुड गेट द लाइव टिकर इन द गेम बिकॉज यू नो हाउ पथेटिक द कैमरा वर्क वॉज. सो एनीथिंग दैट यू थॉट दैट यू मिस्ड इन द मैच यू कुड हैव सीन ऑन वन फुटबॉल ऐप एज वेल. सो इन केस यू डोंट हैव द ऐप, जस्ट चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, क्लिक ऑन द लिंक, डाउनलोड द ऐप, इट्स दैट सिंपल. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड, बिकॉज़ यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स. मैं तो आज अच्छी नहीं हूँ क्योंकि इतना पथेटिक मैच गया है आज टीम इंडिया का. आई नो फ्रेंडलीज हैं, आई नो दैट हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि आगे शायद अच्छा परफॉर्म कर लेंगे. अगर फ्रेंडलीज में परफॉर्म नहीं कर सकते तो आई डोंट नो हम कहाँ परफॉर्म करेंगे, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन वी कैन एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन इन अ मैच, यू नो. बट द वे वी प्लेड वॉज रियली 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 ऑफुल, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं कितना गंदा ब्रॉडकास्टिंग था. तो आई वॉज वॉचिंग इट ऑन YouTube, तो इंडियन फुटबॉल का जो YouTube वाला हैंडल है मैं उस पर देख रही थी मैच. सही में मेरा तो सर दुखने लग गया था कि वॉट इज रियली हैपनिंग. तुमको मैं जस्ट एक स्टैट बताती हूँ, जो बेलारूस का चैनल था YouTube का जहां पे लोग देख रहे थे, कुछ 3,000 से 4,000 लोग देख रहे थे. जो इंडिया का यूट्यूब चैनल था इंडियन फुटबॉल करके, जहां पे मैं मैच देख रही थी, वहां पे कम से कम 20,000 लोग मैच देख रहे थे. 20,000 लोग, कंसिडरिंग जिस तरीके से मैच चल रहा था, इतना गंदा ब्रॉडकास्टिंग हो रहा था. तो ये कभी मत बोलना कि इंडिया में इंडियन फुटबॉल का डिमांड नहीं है, क्योंकि अगर 20,000 लोग इस तरीके से मैच देखने के लिए रेडी हैं, देन इमेजिन द नंबर कुड हैव गॉन टू 50,000 एंड इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली मैच. सो इफ देर इज एनी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी और एनी बडी वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, लेट मी जस्ट टेल यू दैट देर इज मार्केट. पीपल आर गोइंग टू डिवोट देअर टाइम इन इंडियन फुटबॉल, जस्ट प्लीज प्रोवाइड better resources so we can at least watch the match properly. Now let's talk about the match. बचपन में जब भी कोई question आता था exam में, वो होता था ना कि differentiate करो between this and that, तो हम वो line बना के this and that में differentiate करते थे. तो आज मैंने वही किया कि आज मैं क्या करूँगी, एक negatives का column बनाऊंगी, एक positives का column बनाऊंगी about the match की हुआ क्या. अब तुम हिसाब लगा ही सकते हो कि कौन सा कॉलम ज़्यादा भरा होगा, बिकॉज आई थॉट कि आज मैं बहुत पॉजिटिव देखूंगी, बट वो सिर्फ इतना सा रहा ऊपर, ये सारा कॉलम नेगेटिव्स का था. एंड आई वॉज इन हैप्पी, यू नो, राइटिंग अबाउट इट, शिट मैन व्हाट इज दिस हैपनिंग. सबसे पहले आई वॉन्ट टू आस्क इफ यू नो व्हाट इज आर गेम प्ले, व्हाट इज इट. क्या हम ये खेलते हैं कि हम पीछे बैठ के डिफेंड करेंगे अच्छे से, उसके बाद कोई ना कोई लूज बॉल मिलेगा, कोई डेड बॉल मिलेगा हमको मिडफील्ड में, या कहीं से भी हमको डेड बॉल मिलता है, हम उसके ऊपर अपना गेम प्ले बनाने की कोशिश करेंगे. यार हमारे पास पेसी फॉरवर्ड्स हैं, वो बॉल आगे तक कैरी करेंगे, क्रिएटिव मिडफील्डर्स हैं, वो कहीं ना कहीं से हमको असिस्ट देंगे, एंड दैट्स हाउ वील गेट द गोल. चलो गोल का छोड़ो, एटलीस्ट हम उनके हाफ तक, उनके पेनल्टी बॉक्स तक तो पहुंचेंगे, ये है गेम प्ले. चलो नहीं है, ये नहीं है, हमारा गेम प्ले ये है, हम पीछे से बिल्डअप करेंगे, हम सारे प्लेयर्स को इन्वॉल्व करेंगे, पीछे से बिल्डअप करेंगे अच्छे से, आगे बॉल मिडफील्ड तक मूव करेंगे, मिडफील्डर्स आगे फॉरवर्ड्स को एक अच्छा सा क्रिएटिव पास बना के देंगे, एंड वहां से हम कुछ ना कुछ बिल्डअप होता देखेंगे. इज दैट द गेम प्ले? बिकॉज लेट मी टेल यू, पोजेशन हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था मैच में, सारा मैच बेलारूस ने कंट्रोल किया था, हम कुछ नहीं कर पा रहे थे. और हमारा गेम प्ले ये भी हो सकता है कि वी आर गोइंग टू रिलाई ऑन द सेट पीसेस, हम फ्री किक्स पे, हम कॉर्नर्स पे रिलाई करेंगे. वॉज दैट द गेम प्ले? अगर खेलोगे ही नहीं, गेम में इन्वॉल्वमेंट तुम्हारा है ही नहीं, तो सेट पीसेस, कॉर्नर्स, फ्री किक्स कहाँ से मिलेंगे? या तो फिर ये भी हो सकता है, सिंस द फॉर्मेशन इन द गेम वॉज 3-4-3, तो बैक फाइव आ जाते थे डिफेंडिंग करते टाइम, जब भी ट्रांजिशन होता था इनटू द डिफेंसिव गेम प्ले, तो ये हो सकता है कि हमारे जो फुल बैक्स थे, तो इस केस में आज आकाश मिश्रा थे हमारे फुल बैक, लेफ्ट फुल बैक थे वो, और जो राइट फुल बैक थे वो थे सेरिटन फर्नांडिस. या तो ये हो सकता है कि हम फुल बैक्स पे रिलाई करेंगे, वो आगे तक भाग के जाएंगे, स्पेस बनाएंगे, एंड एक अच्छा सा कोई क्रॉस देंगे या फिर पास करेंगे, यू नो, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड अप द गेम. नहीं भाई, वो भी नहीं था, क्योंकि इतना इजिली वी वर गेटिंग डिस्पोजेस्ड. इफ आई टॉक अबाउट द मिडफील्ड, आई वॉज सो एक्साइटेड टू सी ब्रैंडन फर्नांडिस देयर, एंड उनके साथ अनिरुद्ध थापा, दोनों बहुत बढ़िया प्लेयर्स हैं. आईएसएल में जब मैं देखते हैं उनको खेलता, मजा आता है कि भाई यार हाँ, इंडिया में कुछ है, कर लेंगे इस बार जब इंडियन टीम के लिए खेलेंगे. बट हाउ बैड वर वी प्लेइंग टुडे? भाई फॉरवर्ड से क्या एक्सपेक्ट करोगे जब मिडफील्ड से बॉल आगे तक जा ही नहीं रहा, पूरा मैच तो हमारे हाफ में ही खत्म हो गया था. व्हाट वर वी एक्सपेक्टिंग विल हैपन इन द मैच लाइक दैट? फर्स्ट हाफ में 0-0 रहा स्कोर लाइन. आई एम नॉट सेइंग कि बेलारूस प्लेड वेरी वेरी गुड, इट्स जस्ट दैट वी वर सो पथेटिक दैट आई डिडंट इवन सी व्हाट दे वर डूइंग. देयर वाज नो वे दैट यू कुड
लुक एट दैट. फिर सेकेंड हाफ जैसे शुरू होता है उनके जो सब्सिट्यूट हैं, सब्सिट्यूट हो गया है 46 मिनट पे, गोल कर दिया उनने. तीन तीन गोल से हारे हैं आज हम लोग यार. मतलब एक दो मौके ऐसे भी आए थे गेम में. मनवीर सिंह वॉज वन ऑन वन विद द कीपर. यस दे वर डिफेंडर्स ऑब्वियसली, बट वी नीड दैट पेस इन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. वी आर रिलाइंग ऑन काउंटर अटैक्स. काउंटर अटैक्स पे कब रिलाई करते हैं? व्हेन वी नो दैट वी हैव दोस पेसी विंगर्स आउट देयर, यू नो, रनिंग लाइक क्रेजी, एंड मे बी दिल यू नो गेट समथिंग आउट ऑफ द मैच. बट दैट वॉजंट हैपनिंग एज वेल. देखो इतना से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रोशन सिंह इतना एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है तो वो डिस्पोजेस हो जाए, कोई बात नहीं है. बट अनिरुद्ध थापा से आई डोंट एक्सपेक्ट दैट ना. आई वुड एक्सपेक्ट कि हाँ भाई, बंदा इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, इतनी बार इंडिया के लिए खेल चुका है, ही वुड कैरी द बॉल, एटलीस्ट ही वोंट बी डिस्पोजेस सो इजिली. भाई कुछ नहीं वर्क कर रहा था, एंड हम फाइव डिफेंडर्स के साथ खेल रहे थे, अटैकिंग हमारा कुछ रहा नहीं, तो एटलीस्ट हम डिफेंड कर सकते थे. आई वुड हैव अंडरस्टूड कि 0-0 स्कोर लाइन है, कोई बात नहीं, हमने गोल नहीं किए, एटलीस्ट हमने कंसीड भी नहीं किए, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट. इससे अच्छा तो तुम थोड़ा यू नो अपनी बाउंड्री से, अपने एरिया से निकल के आगे अटैक करते, थोड़ा शायद वैसा गेम प्ले रखते थे, शायद वी वुड हैव सीन समथिंग और द अदर हैपनिंग. भाई उनका गोलकीपर तो विजिबल ही नहीं था कि बंदा है भी कि नहीं खेलने के लिए, मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट. तो एक चीज जो बहुत मिसिंग लगती है प्लेयर्स में वो है वो इतना सा एक्स्ट्रा एफर्ट. दे डोंट हैव दैट. अगर तुम देखोगे वो इतना इजीली बेलारूस वाले प्लेयर्स एक पास निकाल देते थे. हाँ एक बॉडी रहेगा इंडियन प्लेयर वहाँ कि हाँ देखो हम हैं, वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट होता है दैट रिक्वायर्स तुम उनको प्रेस कर रहे हो, चलो थोड़ा सा उनको अंडर प्रेशर में डालो कि हम इतना इजीली तुमको पास नहीं निकालने देंगे. यू नो हैव दैट थिंग इन यू. कोई तुमको लॉन्ग बॉल दे रहा है, एटलीस्ट जंप करो, एटलीस्ट शो करो कि यस वी आर यू नो ट्राइंग फॉर दैट बॉल, बिकॉज दैट वॉजंट हैपनिंग. गुरप्रीत सिंह संधू को जब भी बॉल मिलता था तो ही वॉज गोइंग लॉन्ग कि तुम सारे आगे जाओ, मैं तुमको लॉन्ग बॉल दूंगा एंड विल डू समथिंग अबाउट इट, बिकॉज ही नोज कि पीछे से तो गेम प्ले हम बिल्डअप कर पा ही नहीं रहे हैं, तो शायद मैं लॉन्ग बॉल दूंगा, कोई ना कोई रिसीव करेगा एंड कहीं ना कहीं से चांस क्रिएट हो सकता है. नॉट हैपनिंग. ही आई थिंक कुछ 7-8 टाइम्स मैंने नोटिस किया कि उसने ऐसे लॉन्ग बॉल दिया, नहीं हो पाया क्योंकि हमारे प्लेयर्स तक बॉल पहुंचता ही नहीं. व्हाट इज द प्रॉब्लम? एथलेटिसिज्म इज द प्रॉब्लम कि इतना बिल्डअप नहीं है हम लोगों का. देन व्हाई आर यू प्लेइंग लॉन्ग? फिर तो लॉन्ग मत खेलो ना, फिर तो आराम से पीछे से बिल्डअप करो, फिर तो वैसा खेलो. अगर तुम कोई है ही नहीं तुम्हारा वहां मिडफील्ड में या फॉरवर्ड में ट्राई करने के लिए कि वो जो लॉन्ग बॉल दे रहा है वो कोई रिसीव करेगा, इफ दैट इज नॉट हैपनिंग देन देर इज नो पॉइंट इन गोइंग लॉन्ग, बिकॉज आई डिडंट सी दैट एफर्ट फ्रॉम एनीवन. तो ऐसा था, मनवीर सिंह वॉज देयर आई थिंक एंड देयर वर टू प्लेयर्स ऑफ बेलारूस, तो दे वर लाइक जंपिंग टू गेट द बॉल, मनवीर सिंह डिडंट जंप. एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट ही इज द प्रॉब्लम, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल दैट एक्स्ट्रा एफर्ट इज रिक्वायर्ड. यू नो यू आर गोइंग टू गेट द बॉल, बट इट्स ओके, जस्ट जंप, जस्ट ट्राई, बिकॉज इवन दैट इज गोइंग टू पुट देम इन अंडर प्रेशर. आई एम सॉरी, आई थिंक आई एम जस्ट वेरी इन दैट zone right now, because I was just looking at the fixtures that we have for the AFC Asian Cup qualifiers. So we are going to play Cambodia, we are going to play Hong Kong and Afghanistan. ठीक है, FIFA ranking के हिसाब से तीनों countries हमसे नीचे हैं. ठीक है, तुम जीत गए, ये भी तुमने अपना ग्रुप में जीत गए, पर आगे तो जाओगे ना, आगे तुमको कौन सी टीम्स किन के साथ खेलोगे फिर, अगर यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं. मुझे यही लग रहा है कि एम क्या है, what are we doing? What are the players doing? What is that gameplay that I can talk about? Right? This is how we play. This is the team that we have. ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं, but ये मुझे चीज अच्छा लगा, वो दिखाई नहीं game में. But चलो, let's not end this video in that negative thing. थोड़ा सा जो positive एक दो चीज दिखी मुझे, I'll just talk about that. तो ये था कि कहीं ना कहीं जो transition था between थोड़ा सा forward play to our defensive structure, वो था. Just कहीं ना कहीं मुझे वो दिख रहा था. दूसरा चीज़ है कि जो सेट पीसेस थे, जो उनको इतने सारे फ्री किक्स मिले, कॉर्नर्स मिले, हम वो डिफेंड कर पा रहे थे, वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव पॉइंट था गेम में. देन द लास्ट पॉजिटिव पॉइंट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट हियर इज रोशन सिंह. वो हल्का सा वो होता है ना अलाइव वायर कि भाई बंदा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब उसके पास बॉल होता है, वो उसमें था. वो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट बोल रही थी ना गेम में, वो चाहे नहीं, चाहे डिस्पोजेस हो जाता था वो, बट वो एक्स्ट्रा एफर्ट रोशन सिंह में दिखा. तो आई लाइक दैट. हाँ, दे माइट बी अदर प्लेयर्स एज वेल, बट जितना मुझे नोटिस हो रहा था विद दैट परफेक्ट कैमरा वर्क दैट आई डोंट नो हु वाज डूइंग, हु वाज ब्रॉडकास्टिंग दिस, आई हैव नो आइडिया, वो परफेक्ट कैमरा वर्क में जो देखने की कोशिश कर रही थी वो था. बाकी आई जस्ट होप दैट वी डू वेल. SAF चैंपियनशिप में अंडर 18 वीमेन हैव won the टूर्नामेंट, दे हैव won दैट SAF चैंपियनशिप. It's so proud and I'm wearing the jersey for them, you know, ki it's just so proud that they did that, because kahin to hum kuch kar rahe hain. Indian football men
हैव अ चांस, एएफसी एशियन कप जीत सकते हैं हम, बट जिस तरीके से अब खेल रहे हैं इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल. लेट्स जस्ट काम आवरसेल्व्स डाउन एंड प्रे दैट वी हैव बेटर गेम्स. आई डोंट नो व्हाट कैन आई से मोर, बट आई जस्ट होप दैट थिंग्स इम्प्रूव. हाउ दे आर गोइंग टू इम्प्रूव आई डोंट नो, बट आई जस्ट होप दैट दे इम्प्रूव, बिकॉज सिर्फ होप ही है, हम कर सकते हैं और कुछ नहीं. बाकी तुमको जो भी लगा गेम प्ले के बारे में, क्या इफ आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट डाउन बिलो. आई वुड लव टू नो वॉट यू थिंक अबाउट इट, बिकॉज सही में सर दुखने लग गया आज का मैच देख के, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कैमरा वर्क एंड द वे वी परफॉर्म्ड. बट स्टिल देखा है, तुमने भी देखा है आई नो, तो तुम कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना द थिंग्स दैट आई वुड हैव मिस्ड और इफ यू अग्री विथ मी और नॉट ऑन वॉट एवर आई हैव सेड अबाउट इट. रेस्ट, दिस इज हाउ द मैच वेंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Please like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from me. You know, this is the tagline that I go with. But please, don't forget to subscribe to my channel. फिर मैं अच्छे से वीडियोस तुम्हारे लिए लाती रहूंगी, या फिर ऐसा गुस्से वाले क्या करें यार, अब क्या करें जिस तरीके से मैच चल रहा है, but this is how things happen. Thank you. Namaste.